एक बार की बात है, हातिम नाम का जाबाज राजकुमार अपने राज्य से दूसरे राज्य की ओर जा रहा होता है। अचानक रास्ते में उसे कुछ सिपाही घेर लेते हैं। हातिम ने बड़ी जाबाजी से उन सिपाहियों को सबक सिखाया, पर धोखे से वो सिपाही हातिम को बंदी बना लेते हैं और एक आलीशान महल में ले जाते हैं। हातिम अब एक बड़े से पिंजरे में कैद होता है। हातिम गुस्से में कहता है, तुमने हमें यहाँ क्यों कैद किया है? तुम जानते भी हो हम कौन हैं? तभी एक पर्दे के पीछे से आवाज आती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कौन हैं हातिम। हातिम सोच में पड़ जाता है कि मेरा नाम इन्हें कैसे पता। हातिम पर्दे की ओर देखता है तो उसे एक राजकुमारी की परछाई सी दिखाई देती है। कौन है, आखिर कौन है, सामने आओ। अब पर्दे के पीछे से एक राजकुमारी जैसी दिखने वाली एक लड़की आती है। उसने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढका हुआ होता है। उसके हाथ, पैर और चेहरा सभी कपड़े से ढके हुए थे। उसकी केवल आंखें ही दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वो हातिम से कहती है, मुझे माफ कर दो हातिम, मुझे आपको इस तरह अपने पास बुलाना पड़ा। मैंने आपकी बहादुरी के बहुत से किस्से सुने हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हातिम कहता है, अगर मेरी मदद चाहिए थी तो आप मुझे संदेश भिजवाती। आपकी जो भी परेशानी होती मैं उसे जरूर दूर करने की कोशिश करता, पर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आप मुझे यहाँ बंदी बनाकर ले आई। राजकुमारी कहती है, उसे शिकार का बहुत शौक था, इसलिए वो एक बार जंगल में शिकार के लिए गई थी। राजकुमारी जंगल में काफी भीतर चली गई थी। अचानक उसे एक शेर दिखाई देता है और वो अपने तीर से उसे घायल कर देती है। राजकुमारी शेर के पास आती है और अचानक से वो शेर एक जादूगर में बदल जाता है। उस राजकुमारी के तीर से घायल होकर जादूगर जमीन पर गिरा होता है। राजकुमारी जादूगर को देखकर हैरान रह जाती है और माफी मांगने लगती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। जादूगर कहता है, अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। तुम महलों वाले किसी भी प्राणी की जान की कीमत नहीं समझते। तुमने ये जानबूझकर ही किया है। मेरी जगह अगर सचमुच का शेर होता तो तुम मुझसे कभी भी माफी नहीं मांगती, क्यों है ना? राजकुमारी के लाख समझाने पर भी जादूगर उसे माफ नहीं करता और उसे श्राप दे देता है कि वो जिंदगी भर एक जानवर की तरह रहेगी। उसके श्राप देते ही राजकुमारी के पूरे शरीर पर जानवरों जैसे बाल आ जाते हैं, यहाँ तक कि उसका खूबसूरत चेहरा भी अब किसी जानवर के चेहरे से कम नहीं लग रहा था। राजकुमारी के इतना गिड़गिड़ाने पर जादूगर राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता है। अगर कोई जाबाज और नेक दिल राजकुमार मेरी चुनौतियों को स्वीकार करता है और उनमें जीत जाता है तो जादूगर का श्राप बेअसर हो जाएगा। जादूगर कहता है कि अब उसकी आत्मा जंगल के बाहर जो दो रास्ते हैं वहीं उस जाबाज का इंतजार करेगी। हातिम ने राजकुमारी की पूरी कहानी सुनी और कहा, राजकुमारी, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं जाबाज या नेक दिल हूँ, पर मैं उसकी किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। वहीं एक और राजकुमारी के कुछ सैनिक जोरावर नाम के राजा को राजकुमारी के पास लाते हैं। दरअसल जोरावर का ये दावा था कि वो राजकुमारी को इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है, पर वो ये शर्त रखता है कि श्राप के खत्म होने के बाद राजकुमारी को जोरावर के साथ शादी करनी होगी और अपना राज्य जोरावर को सौंपना होगा। राजकुमारी जोरावर की शर्तों को मान लेती है और हातिम से कहती है कि क्या वो अब भी उस जंगल वाले दो रास्ते पर जाना चाहता है। हातिम कहता है, मुझे ना ही आपसे शादी करनी है और ना ही आपका राज्य चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि आप इस श्राप से मुक्त हो जाएं। हातिम राजकुमारी का चेहरा देखना चाहता था, पर राजकुमारी कहती है कि आप इस चेहरे को नहीं देख पाएंगे। पर हातिम के इतना कहने पर राजकुमारी ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। सभी सिपाही राजकुमारी का चेहरा देख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जोरावर मन में कहता है, क्या भयानक सूरत है, पर मुझे क्या, एक बार राजकुमारी से शादी हो जाए और उसके बाद इस राज्य और सारे खजाने पर मेरा कब्जा होगा। हातिम कहता है, ऊपर वाले की बनाई गई हर चीज खूबसूरत है राजकुमारी,
और मैं आपकी आंखों में पछतावे के आंसू देख सकता हूँ। अब आप सच में खूबसूरत हैं। राजकुमारी को हातिम की बातें सुनकर बेहद खुशी हुई। जोरावर और हातिम जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन दो रास्तों के पास पहुंचते हैं, तभी वहां उस जादूगर की आत्मा उन दोनों के सामने आ जाती है। तुम दो भी आ गए, तुम भी मारे जाओगे, जोरावर कहता है। वो तो वक्त ही बताएगा, जादूगर कहता है। तुम दोनों को इन दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। इन दो रास्तों के अंत में खजाना छुपा है, उस खजाने को तुम्हें हासिल करना है। एक रास्ते पर मेहनत, दुख, तकलीफ है और काफी संघर्ष के बाद खजाना मिलेगा, और उस रास्ते पर सच्चाई से ही जीता जा सकता है। वो सच्चाई का रास्ता है और दूसरे रास्ते पर बुराई और लालच है, पर खजाना आसानी से मिल सकता है, और वो रास्ता बुराई का रास्ता है। जो तुम दोनों में से जिंदा बचेगा उसे खजाना लेकर मेरे पास आना है। अब जोरावर सोचता है, जब खजाना ही लेना है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, इसलिए बुराई का रास्ता ही अच्छा है, और जोरावर बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। हातिम कहता है, चाहे जो भी हो मैं कभी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, और इसलिए हातिम सच्चाई के रास्ते पर निकल पड़ता है। हातिम रास्ते पर चल रहा होता है कि तभी उसे एक बूढ़ा दिखाई देता है। वो बूढ़ा हातिम के पास आता है और कहता है, तुम खजाने की तलाश में आए हो और उस जादूगर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि सच्चाई के रास्ते पर बहुत मेहनत और दुख झेलना पड़ता है? हातिम कहता है, मुझे पता है बाबा, मैं कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी हो। बूढ़ा कहता है, तुम नेक दिल इंसान लगते हो, पर तुम्हें अगर खजाना चाहिए तो तुम्हें 3 दिन तक मेरे खेत में जुताई करनी होगी, चाहे मौसम कैसा भी हो, और तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है। यहाँ दूसरी ओर जोरावर रास्ते पर चल रहा होता है। उसे रास्ते पर एक राक्षस मिलता है। राक्षस जोरावर से कहता है, मैं तुम्हें खजाना कहाँ है ये बता सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक वचन देना होगा। जोरावर ने पूछा, कैसा वचन? राक्षस कहता है, जब तुम्हें खजाना मिल जाएगा तब तुम्हें मुझे अपने शरीर का एक एक अंग दान में देना होगा। जोरावर के एक हाथ में 6 उंगलियां थी। वो मन में सोचता है, इतना खजाना, राजकुमारी का राज और राज्य का खजाना, इन सब के बदले में मैं अपनी एक उंगली को दान में दे दूं तो कोई नुकसान नहीं है। जोरावर राक्षस की बात मान जाता है और वचन दे देता है, ठीक है, मैं अपने शरीर का अंग दान में दे दूंगा। यहाँ दूसरी ओर हातिम खेत में जुताई करना शुरू कर देता है। इतने में वहाँ तेज बारिश और तूफान भी आ जाता है। मौसम की वजह से हातिम की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन हातिम अपना काम करता रहता है। अब आखिरी दिन होता है, वहाँ पर अचानक से तेज तूफान आ जाता है। हातिम तेज तूफान में फंस जाता है, और जैसे ही मौसम ठीक होता है हातिम उस खजाने के पास पहुँच जाता है। तभी वहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और हातिम से कहता है, हातिम, तुमने सारी चुनौतियों का डट कर सामना किया है, इसलिए तुम इस खजाने के असली हकदार हो। हातिम बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद करता है और खजाना लेकर वहां से चल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर शर्त के अनुसार उस राक्षस ने जोरावर को खजाना कहाँ है ये बता दिया था, जिससे कि बिना मेहनत किए उसे खजाना मिल जाता है। जोरावर राक्षस से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राक्षस ने कहा, अब तुम्हें वादे के मुताबिक शरीर का एक एक अंग दान में देना होगा। क्या, एक एक अंग? अरे तुमने तो कहा था शरीर का केवल एक ही अंग दान में देना होगा। नहीं, ध्यान से मेरी बात याद करो,
जब तुम्हें खजाना मिल जाएगा तब तुम्हें मुझे अपने शरीर का एक एक अंग दान में देना होगा। जोरावर को अब समझ आता है कि उसने लालच में आकर ठीक से उस राक्षस की बात नहीं सुनी थी। राक्षस ने सबसे पहले जोरावर की आंखें निकाली और फिर उसके एक एक हाथ और पैर निकाल लिए। वो पूरे जंगल में भटकता रहा और अंत में उसकी मौत हो गई। अब हातिम जादूगर के पास पहुंचता है। जादूगर हातिम के पास खजाना देख प्रसन्न होता है और वहां महल में राजकुमारी का श्राप खत्म हो जाता है और वो पहले जैसी सुंदर राजकुमारी बन जाती है। राजकुमारी हातिम से शादी करना चाहती थी पर हातिम ने कहा उसने ये सब किसी इनाम के लालच में नहीं किया, वो सब उसने राजकुमारी की खुशी के लिए किया है। इतना कहकर हातिम वहां से चल पड़ता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा सत्य के रास्ते को ही चुनें और मेहनत और ईमानदारी का साथ कभी ना छोड़ें। श्यामलाल और कुंती देवी नाम के पति पत्नी एक गांव में रहा करते थे। उनका मानना यह था कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए और जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। श्यामलाल और कुंती देवी खुद भले ही गरीब थे लेकिन वे सभी लोगों की मदद किया करते थे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। वह दोनों बहुत ही मेहनती थे। सारा दिन वह अपने खेतों में काम किया करते थे और शाम को अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी से रहा करते थे। एक दिन सेठ गजेंद्र श्यामलाल और कुंती देवी के घर उनसे पैसे मांगने के लिए आते हैं। सेठ गजेंद्र ने श्यामलाल जी को कुछ पैसे उधार दिए थे जो कि श्यामलाल जी ने अभी तक नहीं चुकाए हैं। सेठ गजेंद्र दरवाजा खटखटाते हैं। श्यामलाल जी की पत्नी कुंती देवी दरवाजा खोलती है। सेठ गजेंद्र कहते हैं, क्या श्यामलाल जी घर पर हैं? कुंती देवी कहती हैं, नहीं वह तो किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रखे हैं। मैंने जो पैसे दिए थे वह श्यामलाल जी कब लौटा रहे हैं? मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे तुरंत ही पैसे चाहिए। कुंती देवी कहती हैं, पर सेठ जी अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने आपसे उधार लिया था और हमने 3 महीने की आपसे मोहलत भी मांगी थी। मुझे फिलहाल पैसों की जरूरत है और मुझे तुरंत ही पैसे चाहिए। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं एक एक करके तुम्हारे सारे जानवर ले जाऊंगा। जो भी गाय और बकरी या कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब मैं अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर सेठ गजेंद्र वहाँ से चले जाते हैं। कुंती देवी इस बात से बहुत परेशान होती है और श्यामलाल जी के घर आने का इंतजार करती है। श्यामलाल जी घर आ जाते हैं और कुंती देवी को परेशान देखते हैं। अरे कुंती देवी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? ये देवी सब श्यामलाल जी को बता देती हैं जो भी सेठ गजेंद्र ने उनसे कहा। श्यामलाल जी कहते हैं, अब हम क्या करें? हमने तो 3 महीने की मोहलत मांगी थी और इतनी जल्दी हम पैसों का इंतजाम कैसे करें? इतने में लव कुश भी वहाँ पर आ जाते हैं। लव पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? श्यामलाल जी लव को सब कुछ बता देते हैं। लव कुश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और श्यामलाल जी से कहते हैं, पिताजी आप फिक्र न करें, हम कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करते हैं। इतना कहकर लव और कुश वहाँ से चले जाते हैं। वह दोनों दिन भर इधर उधर पैसों का इंतजाम करने में लग जाते हैं पर उन्हें पैसे कहीं से भी नहीं मिलते। वह दोनों थक हार कर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। अचानक से लव का हाथ एक पत्थर पर लगता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। लव और कुश गुफा को देख कर हैरान हो जाते हैं और आपस में कहते हैं, लव यह गुफा यहाँ कहाँ से आई, चलो अंदर चलकर देखते हैं। लव और कुश उस गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारा सोना दिखाई देता है और हीरे जवाहरात कीमती आभूषण। यह देखकर वे हैरान हो जाते हैं। कुश कहता है, वाह भैया यह तो कमाल हो गया, इतना खजाना, चलो भैया फटाफट हम यह खजाना अपने साथ ले चलते हैं। लव और कुश खजाना लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ घायल रूप में मिलता है। लव कहता है, अरे यह बूढ़ा व्यक्ति यहाँ कैसे, चलो हम पहले इसकी मदद करते हैं। कुश कहता है, भैया यह न जाने कौन है, हम इसकी मदद क्यों करें, हम फटाफट खजाना लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। लव कहता है, नहीं कुश, हमें पिताजी ने सिखाया है कि हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और इसे तो हमारी बहुत जरूरत है, अभी चलो इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और इसका इलाज करवाते हैं, बाद में हम आकर खजाना ले लेंगे।
वह दोनों जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से एक देवी प्रकट होती है। वह देवी लव और कुश से कहती है, मैं शाप के कारण यहाँ कई सालों से इस गुफा में बंद थी, और जब तक कोई अच्छे दिल का इंसान मुझे इस गुफा से आजाद नहीं कराता, तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती थी, और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं धन की देवी हूँ, यह सारा खजाना अब तुम्हारा हुआ, चाहे उतना खजाना ले लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब लव और कुश खजाना लेकर अपने घर आते हैं और अपने माँ पिताजी को खजाने के बारे में और उस देवी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने उस देवी की मदद की और बदले में उन्हें यह खजाना मिला। लव और कुश के माता पिता श्यामलाल जी और कुंती देवी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिक्षा, अगर आप अच्छे मन से किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में दया का भाव रखना जरूरी है। गौरव नाम का लड़का एक छोटे से शहर में रहा करता था। वो शहर समंदर के किनारे था और गौरव भी समंदर में मछली पकड़ने का ही काम किया करता था। एक दिन गौरव तेज तूफान में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। तूफान बहुत ही तेज होता है और गौरव बहुत कोशिश करता है तूफान से बाहर निकलने की, पर एक बड़ी सी लहर गौरव को उसकी नाव के साथ समंदर में ही डुबा देती है। इसके बाद गौरव की आंख सीधे एक टापू पर खुलती है। उसने जब उठने की कोशिश की तो गौरव ने देखा कि उसको किसी छोटी छोटी से बांधा हुआ था। अब एक छोटा सा दिखने वाला सैनिक गौरव के सीने पर चलकर अपनी तलवार की जोर पर गौरव से पूछता है कि वो कौन है और कहां से आया है। गौरव ने पहली बार इतने छोटे से इंसान को देखा था। वो कुछ देर तो उसे देखता ही रहा और जब उसने ध्यान से देखा तो उसके चारों ओर छोटे छोटे इंसानों की पूरी सेना ने उसे घेर रखा था। गौरव अपने मन में कहता है कि हे भगवान, ये मैं कहां आ गया। सैनिक ने पूछा, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो। गौरव कहता है, मेरा नाम गौरव है और मैं डेल्टस शहर से आया हूँ। अब उन सैनिकों ने एक बड़ी सी लकड़ी की गाड़ी बनाकर जिसमें कई सारे पहिए होते हैं, उसमें गौरव को लेटाकर अपने महाराज के पास ले जाते हैं। सैनिकों ने गौरव को महल के बाहर ही रखा क्योंकि गौरव का शरीर उनके महल से भी बड़ा था। अब उनके महाराज महल की बालकनी में आते हैं और गौरव की रस्सियां खुलवा देते हैं। गौरव ने पूछा, मैं कहां हूं। महाराज ने बताया, तुम लिलीपुट नगर में हो। हमें पता चला है कि तुम समंदर की दूसरी ओर जो दुनिया है वहां से आए हो। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि कोई लिलीपुट नगरी तक सही सलामत पहुंचा हो। गौरव महाराज से कहता है उसे उसके घर जाना है, लेकिन उसकी नाव पूरी तरह से टूट चुकी है। महाराज गौरव को भरोसा दिलाते हैं कि वो उसे उसके घर जाने में जरूर मदद करेंगे और उसकी नाव को ठीक करने में उसकी मदद जरूर करेंगे। गौरव को अब सेनापति ध्रुव लिलीपुट नगर में ले जाते हैं। गौरव को सब शहर में घूर घूर कर देख रहे होते हैं। लिलीपुट शहर में सभी घर छोटे छोटे होते हैं और गौरव के रहने लायक कोई भी ठिकाना नहीं था। सेनापति ध्रुव ने बाकी सैनिकों के साथ मिलकर गौरव के रहने लायक एक बड़ा सा घर बनाया। गौरव ध्रुव को इस घर के लिए धन्यवाद करता है। अब चाहे बारिश हो या तूफान, गौरव को सर ढकने के लिए जगह मिल चुकी थी। इसके बदले गौरव लिलीपुट वासियों की मदद किया करता था। लिलीपुट वासी भी गौरव से बहुत खुश थे। अचानक राज्य में ये खबर फैल जाती है कि गिलगमिश नाम का एक राक्षस लिलीपुट नगर पर हमला करने वाला है। गिलगमिश के पास जादू शक्तियाँ तो थी ही, साथ ही साथ उसका शरीर भी आकार में गौरव से भी बड़ा होता है। सेनापति ध्रुव एक पहाड़ी पर बैठे होते हैं और इसी बात की चिंता कर रहे होते हैं। गौरव भी वहां आता है और सेनापति ध्रुव को यूं मायूस देख उसकी चिंता का कारण पूछता है। सेनापति गिलगमिश के बारे में गौरव को बताते हैं और ये भी बताया कि जब उसने पहली बार लिलीपुट पर हमला किया था तो पूरा लिलीपुट नगर तहस नहस हो गया था। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो लिलीपुट को इससे उभरने में कई वर्ष लग जाएंगे। गौरव ने कहा, फिकर मत करो, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब अगला दिन होता है, सारे पक्षी और जानवर नगर से दूर जाना शुरू करते हैं क्योंकि ये आहट थी गिलगमिश के लिलीपुट नगर में आने की। गिलगमिश अब नगर आ चुका था और महाराज को चुनौती देता है और कहता है कि वो लिलीपुट नगर छोड़ कर चले जाएं। महाराज कहते हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, अगर उसे उन्हें मारना है तो वो तैयार है। इतने में वहाँ गौरव सेनापति ध्रुव के साथ आ जाता है और गिलगमिश को वापस लौट जाने के लिए कहता है। गिलगमिश जोर जोर से हंसता है और कहता है, लिलीपुट नगर वासियों ने मेरा सामना करने के लिए इस लंबे इंसान को बुलाया है। अब गिलगमिश गौरव पर हमला करने की कोशिश करता है, पर गौरव अपनी कलाबाजी दिखाते हुए गिलगमिश को जमीन पर गिरा देता है। गिलगमिश को गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई शक्ति से गौरव को घायल कर देता है। इतने में महाराज वहाँ आ जाते हैं और
और गिलगमिश से कहते हैं कि गौरव उनका मेहमान है, उसे कुछ मत करो। महाराज गिलगमिश से लिलिपुट नगर खाली करने के लिए एक महीने का समय मांगते हैं। गिलगमिश एक महीने का समय दे देता है और ये भी कहता है कि एक महीने बाद उसे नगर खाली चाहिए और महाराज का ताज भी, जो वो खुद अपने हाथ से उसे देंगे। इतना कहकर गिलगमिश वहाँ से चले जाता है। अब गौरव का उपचार चल रहा होता है। सेनापति ध्रुव महाराज से कहते हैं कि गौरव की ये हालत हम लिलिपुट वासियों की वजह से हुई है, हमें तुरंत गौरव की नाव ठीक करने का कार्य शुरू करना चाहिए जिससे वो सही सलामत अपने घर जा सके। महाराज ने कहा, गौरव ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है, हम जरूर उसे उसके घर भेजेंगे, वो भी सही सलामत। मेरे पास एक तरकीब है। महाराज ने बताया कि उनके मुकुट में जो तिलिस्मी हीरा है उसमें अद्भुत शक्तियां हैं, अगर इसे किसी हथियार के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें गिलगमिश से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। सेनापति ने कहा, महाराज तो आपने इसका इस्तेमाल किया क्यों नहीं? महाराज ने कहा, क्योंकि जो इसके काबिल होगा वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। और जब महाराज ने गौरव को सबसे पहले देखा था तो वो समझ गए थे कि गौरव ही इस हीरे के काबिल है। सेनापति ध्रुव ने सेना को दो हिस्से में बांट दिया, आधी सेना गौरव की नाव की मरम्मत करेगी और आधी सेना एक हथियार बनाएगी जिस पर वो तिलिस्मी हीरा पिरोया जाएगा, जो कि गिलगमिश से सामना करने के लिए होगा। अब एक महीना खत्म होता है। गिलगमिश फिर से लिलिपुट नगर में आता है और देखता है कि नगर अभी तक खाली नहीं हुआ। महाराज ने कहा, गिलगमिश जो तुम देख रहे हो वो सच है, हम लिलिपुट नगर नहीं छोड़कर जाएंगे। गिलगमिश महाराज से कहता है कि क्या वो उसका सामना कर पाएंगे? महाराज कहते हैं, वो तो नहीं पर ये जरूर करेगा। गौरव उस जादुई हथियार के साथ जिसमें वो तिलिस्मी हीरा जड़ा होता है वो लेकर गिलगमिश के सामने आ जाता है। गिलगमिश गौरव पर अपने जादू से हमला करता है, लेकिन गौरव उस हथियार से गिलगमिश का जादू उसी पर इस्तेमाल कर देता है और गिलगमिश का नामो निशान मिट जाता है। इस तरह गौरव ने लिलिपुट वासियों को गिलगमिश से छुटकारा दिला दिया और गौरव अपनी नाव में बैठकर अपने शहर पहुंच जाता है। राज्य में जादुई मकड़ी घूम रही थी। माना जाता है कि अगर वो मकड़ी किसी को काट ले तो वो इंसान मकड़ी के जैसा बन जाता है। एक बंसी नाम का किसान जंगल में भटक रहा होता है। वह जंगल में सूखी लकड़ियों की तलाश कर रहा होता है, पर उसके मन में एक डर भी था कि कहीं जादुई मकड़ी उसके सामने ना आ जाए। बंसी हिम्मत करता है और आगे चलता जाता है। वहीं दूर उसे एक लकड़ियों का ढेर दिखता है। वो बहुत खुश होता है और भटकते हुए लकड़ियों के पास पहुँचता है। पर जैसे ही वो लकड़ियों के पास पहुंचता है और लकड़ियों को छूने की कोशिश करता है, वो जादुई मकड़ी उसके सामने आ जाती है। बंसी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो जहां भी जाता मकड़ी उसके पीछे आ जाती। अब वो थक चुका था और मकड़ी से कहीं दूर भी नहीं भाग सकता था। मकड़ी ने बंसी पर हमला किया और बंसी वहीं ढेर हो गया। और कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुली तो वह अपने घर में होता है। बंसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो मकड़ी से बच कैसे गया। अब रात हो जाती है। एक गांव वाला बंसी के दरवाजे पर आता है और बंसी को आवाज लगाता है। बंसी ने आवाज सुनकर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, उसका शरीर एक बड़ी सी मकड़ी में बदल जाता है। अब वो गांव वाला भी बंसी के घर में आने की कोशिश करता है और वो जो बंसी के शरीर की हालत को देखता है तो उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो भागना शुरू करता है पर बंसी ने उसे अपने जाल में पीछे से खींच लिया। अगला दिन होता है और उस गांव वाले की लाश एक पेड़ पर मकड़ी के जाल से लिपटी हुई थी। तीनों जादुई राजकुमार भी वहीं मौजूद थे। उन तीनों राजकुमारों ने यह फैसला किया कि वो पूरे राज्य की छानबीन करेंगे और अपराधी का पता लगाएंगे। अब वो तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। उनमें से राजकुमार अर्जुन को वो मकड़ी बना हुआ इंसान दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ही उस गाँव वाले की जान ली है? वो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है। और राजकुमार अर्जुन को वहां से चले जाने के लिए कहता है। राजकुमार अर्जुन अपनी शक्तियों से उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। अब बंसी अपने जाल में अर्जुन को बांध देता है और उसकी गर्दन पर काट भी देता है और कहता है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। पर आपको तो याद ही होगा, राजकुमार अर्जुन दूसरों की शक्तियां अपने वश में कर सकते हैं। बंसी के काटने पर वो उसके जैसे मकड़ी तो नहीं बने, लेकिन मकड़ी की सारी शक्तियां उनके भीतर समा गई। अब अर्जुन मकड़ी के जैसे पेड़ पर चढ़ सकते थे और जाल भी फेंक सकते थे। अर्जुन कहता है, अरे ये तूने क्या किया?
अब चलो कैद खाने में, वहीं अपने जाल बुनना। राजकुमार अर्जुन बंसी को उसी के जाल में बांधकर कालकोटरी में बंद कर देते हैं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।